हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ अनदर सी प्रोग्राम एंड इसमें हमें क्या करना है, हमें सम ऑफ एन नंबर्स फाइंड करना है. ओके, एन नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे एंड मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा एन, इंटीजर टाइप का, और उसको इनिशलाइज भी करवा दूँगा ज़ीरो से. ओके, एन किस लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है हमें एन नंबर्स का सम फाइंड करना है. ओके, तो सम फाइंड करना है तो हमें सम को स्टोर भी करवाना होगा किसी वैल्यू वेरिएबल में. सो सम इक्वल्स टू जीरो. ओके, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो सम वेरिएबल है इसको आपको किससे इनिशियलाइज करवाना है, ज़ीरो से. ये इनिशियलाइज करवाना ज़रूरी है ज़ीरो से. ओके, एंड इसके अलावा एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आई. ओके, ये आई क्या है, हमारे लूप का काउंटर होगा. ओके, क्योंकि हम इसमें लूप यूज़ करेंगे. लूप क्यों यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे एन नंबर्स का सम फाइंड करना है. यहाँ पर एन फिक्स नहीं है, ठीक है. अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा होता कि फाइंड सम ऑफ फाइव नंबर्स, तो मैं यहाँ पे क्या करता कि सिंपली आई लेने के बजाय मैं क्या करता कि सिंपली यूज़र से एक एक वैल्यू इनपुट करवा करवा के मैं सम में स्टोर करवा सकता था. सम इक्वल्स टू सम प्लस जो भी वैल्यू है, जो भी यूजर से इनपुट लेता वो मैं ऐसे कर सकता था. बट यहाँ पर एन फिक्स नहीं है. ओके, एन यूज़र पे डिपेंड करेगा कि वो क्या एंटर करता है, क्योंकि एन की वैल्यू हम यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं. ओके, सो हम लूप यूज़ करेंगे और उसका काउंटर होगा आई. ओके, सो मैं इसको भी इनिशलाइज करवा देता हूँ ज़ीरो से. देन इसके अलावा हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा वेल. ओके, एंड इसमें हम क्या स्टोर करवाएंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी यूज़र से हम वैल्यू एक्सेप्ट करवाएंगे वो हम स्टोर करवाएंगे वेल वेरिएबल में. ओके, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, प्लीज़ एंटर द नंबर एन. ओके, एंड यूजिंग स्कैन ऐप हम यूज़र से वैल्यू इनपुट करेंगे और उसको स्टोर करवाएंगे एन वेरिएबल में. ओके, सो यहाँ तक क्या होगा कि यूज़र से हम एक वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है. तो हमारे पास में एन की वैल्यू आ गई, यानी कि हमें क्या मिल गया, लूप का एंड पॉइंट मिल गया. ओके, यानी कि लूप कहाँ तक चलेगा वो चीज़ हमें पता चल गई, वो वैल्यू हमें पता चल गई. सो फोर इनिशलाइज मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, सो मुझे यहाँ पे इनिशलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है. सो आई लेस देन एन विल बी आवर कंडीशन एंड I++. ओके, सो ये तो हो गया हमारा लूप. अब लूप के अंदर स्टेटमेंट्स क्या होंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, प्लीज़ एंटर द नंबर परसेंटेज डी. और परसेंटेज डी क्या रिप्रेजेंट करेगा, I प्लस वन. ओके, I प्लस वन क्यों, क्योंकि I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ज़ीरो से. ओके, सो जैसे ही ये लूप रन होगा तो पहला मैसेज क्या प्रिंट होगा, प्लीज़ एंटर द नंबर वन, यानी कि फर्स्ट नंबर हमसे वो पूछेगा. ओके, अब हम यूजिंग स्कैन ऐफ ये वैल्यू स्टोर करवा देंगे इसमें, जो ऊपर हमने वेल वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसमें. एंड ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, यानी अब जो स्टेटमेंट आने वाला है वो हमारा मेन लॉजिक है. ओके, सो क्या है, सम इक्वल्स टू सम प्लस वेल. ओके, सो दिस इज आवर प्रोग्राम. लास्ट में हम क्या करेंगे, मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, सम ऑफ नंबर्स. सो फर्स्ट परसेंटेज डी में हम क्या प्रिंट करवा देंगे, एन की वैल्यू. देन सेकंड परसेंटेज डी को हम किससे प्रिंट करवाएंगे, सम से. ओके, सो ये हो गया हमारा प्रोग्राम. लेट्स रन दिस प्रोग्राम. स्टार्टिंग में उसने पूछा प्लीज़ एंटर द नंबर एन, सो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ फोर. हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर. एंड फाइनली उसने क्या बताया, सम ऑफ फोर नंबर्स इज टेन. ओके, सो ये तो क्या हो गया हमारा सिंपल सा प्रोग्राम. यहाँ पर आप दो वैल्यू भी एंटर करवा सकते, मतलब एन यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो कितनी वैल्यूज एंटर करेगा. सो 12, 10, सम ऑफ टू नंबर्स इज 22.
यहाँ पर उसने क्या बताया, सम ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पर क्योंकि वैल्यू क्वांटिटी जो है ओके एन की जो वैल्यू है वो क्या है, छोटी सी वैल्यू टू, लास्ट टाइम हमने फोर एंटर की थी तो वो छोटी सी वैल्यू थी, ठीक है। सो वहाँ पे क्या हो रहा था कि छोटी सी वैल्यू थी तो हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर कौन सी वैल्यूज़ का हम सम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही इसने मैसेज डिस्प्ले किया सम ऑफ टू नंबर्स इज 22, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वो टू वैल्यूज़ क्या है, ओके 12 एंड 10। बट मान लीजिए कि अगर यूज़र ने एंटर कर दिया 10, ठीक है, तो जैसे ही यूज़र 10 वैल्यूज़ एंटर करेगा, ठीक है, हो सकता है कि कुछ वैल्यूज़ ऊपर चली जाए, तो हमें स्क्रॉल थोड़ा ना करवाएंगे यूज़र से, वो एक अच्छा डिज़ाइन नहीं है, ओके वो अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सिंपली जो वैल्यूज़ हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वो हम डिस्प्ले भी करवाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वेल वेरिएबल है इसको हम एरे बना देंगे, ओके। और मैं इसकी साइज़ एक बार फिक्स कर देता हूँ 100, और इसको इनिशलाइज करवा देता हूँ 0 से, ओके। सो यहाँ पे हम थोड़े से चेंजेस करेंगे, वैल्यू ऑफ आई, ओके। सो ये तो क्या हो गया हमारा मेन लॉजिक, अभी हमें क्या करना है, वो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है। स्टेटमेंट को मैं क्या करूँगा, यहाँ से हटा दूँगा, ओके। एंड इसकी जगह अब मैं क्या करूँगा, एक और लूप लूँगा, आई को मैं इनिशलाइज करवाऊँगा 0 से, ओके। अब हमें इनिशलाइज करवाना पड़ेगा क्योंकि इस लूप के अंदर आई की वैल्यू चेंज हो चुकी है, ओके। सो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ओके। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू एरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर है एक एक हम डिस्प्ले करवाएंगे, एक वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे। सो प्रिंट एफ परसेंटेज डी प्लस एंड वैल्यू ऑफ आई, मैं सिर्फ इतना सा करवाना है, सिर्फ ये स्टेटमेंट हमें इस लूप के अंदर लिखना है, और क्योंकि यहाँ पे ये एक ही स्टेटमेंट है तो मैं यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस हटा देता हूँ, ओके। एंड लास्ट में हमें क्या, एक और प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करना है, मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, और वो क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ वो आप ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो कैरेक्टर है इसे हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बैक स्लैश से स्टार्ट होते हैं, बैक स्लैश यानी कि ये जो सिंबल है ये, और बैक स्लैश बी इसका क्या मतलब हुआ कि ये बैक स्पेस की जो है, ठीक है, जो कि आप डिलीट के लिए जो यूज़ करते हो बैक स्पेस की, ठीक है, उसकी तरह काम करेगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, और मैंने एंटर किया 4 देन 1, 3, 2 एंड 4, सो यहाँ पर आप देख सकते हो उसने ये जो लास्ट जो कैरेक्टर था उसको क्या कर दिया, हटा दिया, ओके। और फाइनली जो आउटपुट आया वो क्या है, जो भी हमने वैल्यूज एंटर की थी, जिस सीक्वेंस में हमने वैल्यू एंटर की थी 1, 3, 2, 4, इन चारों वैल्यूज़ का जो सम है वो क्या बताया उसने, 10, ओके। सो दिस इज़ आवर प्रोग्राम। Thank you so much for watching this tutorial.